27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए उद्बोधन में योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार करने के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 2014 को संकल्प पारित किया गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्वभर में मनाया जाएगा। संकल्प में महासभा ने यह भी स्वीकार किया कि योग स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पूर्णतावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह राज्य मुख्यालय जयपुर, जिला स्तरीय समारोह समस्त जिला मुख्यालयों पर, ब्लॉक स्तर समारोह समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर और ग्राम पंचायत स्तरीय समारोह ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 21 जून को सुबह 6:40 से 7:40 तक करने का निर्णय लिया गया है। जिला स्तरीय समारोह अजमेर में पटेल मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी होंगे, जहां डॉक्टर मोक्षराज आचार्य, विश्वास पारिक, सरोज मालू और सुशांत ओझा निर्धारित प्रोटोकॉल के मुताबिक 33 मिनट का सामान्य योग अभ्यास कराएंगे। 21 जून 2015 को जिला स्तर पर पटेल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सभी नागरिकों से, सभी डिपार्टमेंट से और अधिकांश लोगों से मेरी अपील है कि इसका लाभ उठावें। जीवन के स्वास्थ्य के लिए योग जरूरी है। ब्लॉक स्तर पर अपने स्तर से ये सभी जगह कार्यक्रम किया जा रहा है और सभी विभागों की इसमें सहभागिता है। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, स्वस्थ रहता है और जिसकी सारी अग्नियां, जिसके दोष सब सम हो गए हैं, वही व्यक्ति जीवन में लंबी आयु को भोगता है। योग न केवल शारीरिक मानसिक आपकी उन्नति करता है, बल्कि आत्मिक उत्थान में भी विशेष उपादेयता रखता है। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के द्वारा देश भर में जितने भी पतंजलि योग समितियां हैं, उनके शिक्षक हैं, वो सभी अपनी सेवाएं 21 जून के इस कार्यक्रम में दे रहे हैं। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरफुल सिंह यादव के नेतृत्व में 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस के लिए समस्त विभागों की एक बैठक आयोजित कर दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में शिक्षा विभाग, खेल विभाग, नेहरू युवा केंद्र, जिला पुलिस, स्काउट्स, जनप्रतिनिधि, पतंजलि युवा केंद्र, महिला बाल विकास विभाग, ऋषि उद्यान, विवेकानंद आश्रम आदि के प्रतिनिधि शामिल हुए। पटेल मैदान में सुबह 6:30 से 7:30 तक होने वाले योग दिवस की जानकारी देते हुए एडीएम हरफुल सिंह यादव ने बताया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रातः 6:30 से 7:30 के मध्य पटेल मैदान अजमेर में एक बड़ा योग शिविर होगा। उसमें पतंजलि योगपीठ और जुड़े हुए सभी संबद्ध जो संगठन है इसमें सहभागिता करेंगे। अधिकाधिक संख्या में लोग इसमें आवें और लोगों की सहभागिता और लोगों की जागरूकता योग के प्रति बनी रहे। हमारे महिला बाल विकास विभाग है, शिक्षा विभाग है, कॉलेज एजुकेशन है, इन सबको हमने यहाँ के महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि हैं उनको हमने आज इस बैठक में आमंत्रित किया था और इस बात पर हम चर्चा विमर्श करके कार्यक्रम की रूपरेखा।